बिछाता है। क्या करता है फिर वो? हाल गधे पर बिछाता है। फिर क्या होता है उसकी वजह से? जब वो खेत में जाता है, जब वो वाकिट खाल में खेत में जाता है अनाज खाने के लिए, तो फिर क्या होता है उससे सब डर जाते हैं। बराबर है ना? फिर बाघ को कैसे मारेंगे हम? बराबर ना? फिर वो सब डर जाते हैं गांव वाले, और वो बस मजे से खेत में जाकर अनाज खाकर आता था। हाँ, ऐसे ही रोज का इसका चलता था। फिर क्या हुआ एक दिन, पता है आपको? उसी की तरह एक दूसरा जो गधा था वो उस गांव में आया, और वो आवाज देने लगा, बुलाने लगा, पुकारने लगा। तो फिर क्या हुआ? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ अर्शिया खान, डांडा मनप्पा उर्दू स्कूल की एक शिक्षिका। मैं यहाँ पर खोज प्रकल्प के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को देखने के लिए आई हूँ। यहाँ पर मैंने जो भी कुछ देखा वो देख कर मुझे इस कदर खुशी हो रही है कि जिनको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर खोज प्रकल्प या खोज संस्था की तारीफ करने के लिए जो शब्द ढूंढ रही हूँ, शब्द भी मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने छोटे से पैमाने पर, छोटी सी जगह में इतने बड़े विचार को स्पर्श किया, इतने बड़े विचार को यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया है कि जैसे बाल मजदूरी, बाल विवाह, यानी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ में जाकर हम किस तरह से अपने अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं, हमको जो गलतियाँ हमारे समाज ने पहले कर दी है उसको फिर से ना दोहराने के लिए, बच्चों के मन में उन ख़राब रस्मों के खिलाफ में एक पॉजिटिव सोच बनाने के लिए जो कार्यक्रम इन्होंने यहाँ रखा है वो काबिले तारीफ़ है। और पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो भी खोज संस्था के सदस्य हैं काफ़ी खुशी से, बल्कि पूरे शौक से, पूरे तन मन धन से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं म्यूनसिपल स्कूल के जिनको इतना खुला माहौल नहीं मिलता, वो उनको इंटरटेन करवाने के लिए, मनोरंजन करवाने के लिए उन्होंने वो रास्ता ढूंढ निकाला। मनोरंजनात्मक पद्धति से इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाकर जो समाज में बुराइयां हैं, बाल मजदूरी, बाल विवाह जैसे लालच बुरी बला है, मेहनत में ही हजमत है, मेहनत से हम हर चीज़ हासिल कर सकते, जैसे संस्कार इन्होंने बच्चों के मन में प्रगत किए हैं। और यहाँ पर जो आदर्श व्यक्ति हैं जिनके नाम आज तक हमने शायद नहीं सुने थे, जैसे सावित्री बाई फुले के साथ में फातिमा शेख जैसी महिला ने भी अपने महान कारनामों से समाज की कुछ ना कुछ खिदमत की है, उस वक्त उनका नाम आज हमको यहाँ पर पढ़ने को मिला, बहुत हैरानी भी हुई और साथ में खुशी भी कि खोज प्रकल्प हमको उन बातों से अवगत करा रहा है जो आज तक हमने ना सुना ना देखा। और दूसरी बात यह है कि बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं, इस बात से उनका आत्मविश्वास भी दृढ़ होता है और उनके अंदर भी एक प्रेरणा जागती है कि हम भी आदर्श व्यक्ति की तरह कुछ ना कुछ समाज की सेवा करने में अपना सहयोग दें। लेकिन साथ में बच्चे जो पहली क्लास से लेकर सातवीं क्लास तक के यहाँ पर हैं, उन्होंने बढ़ बढ़कर अपने ग्रुप में या फिर अपनी कक्षा के सारे सदस्य, सारे छात्रों के साथ में मिलकर कुछ खेल भी यहाँ पर खेले हैं, और वो खेल उनको सिर्फ इंटरटेन करवाने के लिए नहीं है बल्कि साथ में उनको कुछ सिखाने के लिए भी हैं। बच्चों को यहाँ पर पूरा पूरा सहयोग दिया गया है, और मैं ये बात से बहुत खुश हूँ कि हम जो काम सोचते ही रह जाते हैं, उस सोचते 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 जो समय निकल जाता है हम उतना नहीं कर पाते, वो काम, वो अंतर आज खोज संस्था ने यहाँ पर मिटा कर दिखा दिया है। जो सोच हमारे मन में थी उस सोच को उन्होंने हकीकत में एक पाए तख्त सॉरी एक प्लेटफॉर्म उन्होंने यहाँ पर मुहैया किया है, और जो सोच हम यहाँ पर रखते हैं उसी सोच को इन्होंने अपने कारनामों के ज़रिए या फिर अपनी कोशिश के ज़रिए पूरा कर दिखाया। अंतर मिटाना बहुत बड़ी बात है, सोचना और उसको हकीकत में कर दिखाना। आज यही सोच हमारे मन में भी थी और वही सोच इनके भी मन में है, लेकिन हम सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन खोज संस्था ने अपनी कोशिशों से, अपने सहयोग से उसको सच में हकीकत में कर दिखाया। ये बात बहुत बेहद काबिल तारीफ़ है। बस मैं इतना कहकर अपने सारे
माध्यमों की तरफ से डांडा मनपा शाला के कैंपस में जितने भी माध्यम हैं उन सब की तरफ से खोज प्रकल्प का तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इसी उम्मीद के साथ अपने दो अल्फाज ख़त्म करूँगी कि इस खोज प्रकल्प इसी तरह हमारे स्कूल में अगर चलता रहे तो हमारे छात्र अपनी बे इंतहा जो सलाहियतें हैं उनके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उसी को इसी तरह बरोए कार लाते रहेंगे और अपना नाम रोशन करते रहेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि खोज प्रकल्प हमारे तलबा की इसी तरह से हिम्मत अफजाई करता रहेगा, उनको इनक्रेज करता रहेगा, उनके अंदर जो भी सलाहियतें हैं उनको खोजता रहेगा। और यही असल काम खोज का है, खोजना, ढूंढना और तलाश करके उसको हकीकत में सारे ज़माने के सामने लेकर आना, ये बेहद अहम काम है। और इसको बे इंतहा सरगर्मी से, बे इंतहा जोश व खरोश के साथ इन्होंने अपने काम को जारी किया है और आज तक भी करते रहे हैं। हमसे तो जितना हो सका हमने सोचा, लेकिन कहने वाली बात तो ये है कि हमसे सोचते ही रह गए और इन्होंने इसको कर दिखाया। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम नसरीन है, मैं पांचवी जमात में पढ़ती हूँ उर्दू मीडियम से। हम खोज की तरफ से 3 स्टॉल लगाए गए हैं। मुझे सबसे अच्छा गेम लगा, गेम में जोड़ने वाला अच्छा लगा। और मुझे ड्राइंग में बाल मजदूरी अच्छा लगा और भारत अच्छा लगा। और हम लोग ने फिल्म देखा, उसमें मुझे सबसे अच्छा शेर और चूहे का लगा। शेर सो रहा था तो चूहा आके शेर को जगाने लगा, फिर उसके बाद शेर जाग गया तो उसको अपने पंजे से बंद कर लिया, उसको जाने नहीं दे रहा था। फिर उसका चूहा रोने लगा, तो चूहा रोने लगा, उसने बोला मुझे छोड़ दो, तो उसने छोड़ दिया। तो एक दिन शेर एक शिकारी ने, उस फिल्म से हमें मालूम हुआ कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत से रहना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। चूहा छोटा था फिर भी शेर की जान बचाई।
कैसे भी करके उसने उसकी जान बचाई। इससे मालूम होता है कि एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आए और किसी को छोटा या बड़ा ना समझे। मेरा नाम नाजिया है, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ उर्दू मीडियम। मैं उर्दू मीडियम से पढ़ती हूँ। मैं खोज की तरफ। मेरा नाम बेबी प्रमोद कांति है, मैं कक्षा 7वीं से हूँ हिंदी बॉम्बे, और मैं खोज के इस प्रक्लब में, इस खोज संस्था में इस बातों का उदाहरण देने वाली हूँ। और मैं खोज में पिछले 2 साल से आ रही हूँ। मुझे खोज में आना बहुत अच्छा लगता है और मैं आपको खोज के बारे में बताने वाली हूँ। खोज का जन्म सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने एवं बच्चों के भीतर धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को निर्माण करने के लिए 1992 से 93 के दंगों के बाद 1998 में सरकारी स्कूलों में किया गया था। खोज में अनेक प्रकार के सेशन लेते हैं, जैसे संगीत, बहस, टीवी, अखबार, मीडिया, इन सब का प्रयोग करके खुली धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को बच्चों के दिल एवं दिमाग में पैदा करने की कोशिश करते हैं। खोज की टीचर इन सब बातों और नियमों पर खोज के बच्चों को भाषण नहीं देते, मगर अलग अलग सेशन के जरिए उनका ध्यान सामाजिक विभिन्नता और आर्थिक समस्याओं पर खींचती है, ताकि यह बच्चे किसी गलत सोच का शिकार ना बने, क्योंकि यह बच्चे हमारे आने वाले कल के नागरिक हैं। खोज की टीचर उनके चित्र एवं लेख द्वारा उनके चौल, उनके मोहल्ले, उनके देश, उनके विश्व के बारे में उसकी क्या विचारधारा है, ये समझने का प्रयास करती है। मुझे खोज में आना बहुत अच्छा लगता है। आज का प्रोग्राम मानवता दिवस के लिए मनाया गया है, ताकि हर एक मानव अपना अपना अधिकार जान सके। और मैं इस प्रोग्राम में आके बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे इस स्टॉल में रखा गया कि खोज के बारे में मुझे बताना है, और बाल मजदूरी के बारे में बताना है, मुंबई के इतिहास के बारे में बताना है, और अलग अलग चीज़ों के बारे में मुझे बताना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब बताने में। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए मैं 1 महीने से हमारी टीचर और मैं लगी हुई हूँ, ताकि हम यह स्टॉल में अच्छी तरह तरीके से बोल सके, ताकि क्योंकि हम यह बच्चे के हम इस देश के नागरिक हैं और हमें इस प्रकार आगे बढ़ना है। आज के कार्यक्रम में बाल मजदूरी, मुंबई का इतिहास, खोज प्रक्लब, आदर्श व्यक्ति और गेम्स, और बच्चों के बनाए हुए ड्राइंग्स के स्टॉल लगे हुए हैं। मेरा नाम शहरीन है, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। मैं उर्दू मीडियम में हूँ। मैंने यहाँ पर जितने भी गेम्स और सब कुछ देखे, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने फिल्म देखी, उसमें मुझे ये मालूम पड़ा कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर कोई पैसों के लिए अपने बच्ची को बेचे तो भी क्या उसे अपनी बेटी की तरह पालना चाहिए और कभी उसे कुछ कहना नहीं चाहिए। इस पिक्चर का नाम है तुच्छी, आणि या पिक्चर मध्ये आम्ही शिकलो आहे, म्हणजे एक मुलगी असते, तिला तिची आई पहिलाच म्हणजे कामाला, म्हणजे तिचे बाबा हेल्प तिला पहिला कामाला घालवतात, पण ती त्या वयाची नव्हती, म्हणून ती एक मुलगी होती, म्हणून ती पहिला तिला म्हणजे स्वतःची बहीण पण नव्हती मानत। तिचा एक भाऊ होता रक्ष, त्याने तिला समजवलं, म्हणून ती आता तिच्यासोबत बहीण म्हणून जाते। एक दिवशी ती मुलगी त्या मुलीला म्हणजे लच्चीला, आम्हाला पिक्चरमध्ये वाटतं म्हणजे ती जी मुलगी असते ना, ती म्हणजे सगळ्याची म्हणजे शाळा तिला म्हणजे शिकायला भेटते ना, तर ती मुलगी म्हणजे तिला घेऊन जाते ना, ते आम्हाला खूप आवडलं। आणि ती मुलगी म्हणजे तिला बहीण अशी मानत असते, तेही आम्हाला खूप आवडलं। असं कळतं की या पिक्चरमध्ये असं कळतं की सर्वांना शिकण्याचा हक्क आहे, सर्वांना शिकण्याचा म्हणजे नोकर वगैरे सगळ्यांना शिकण्याचा हक्क हवा आहे। और कोई बोलना चाहते हैं? या पिक्चर मधून अशी शिक मिळते करून ज्याचा वय शाळेकरी असतो त्याने शाळा शिकावी, दुसरे काम करू नये। तिच्या वडिलांनी तिला कामाला लावली पण तिला शिकायचं होतं, तिचा शाळेकरी वय होते म्हणून तिने शिकावं।
उदयकांत मिश्रा है। मैं हिंदी क्लास के मीडियम से आई हूँ। मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मानवता दिवस है, ये सबको मालूम है। ये प्रोग्राम खोज ने ऑर्गेनाइज किया है। इधर पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें से एक स्टॉल हमारा है, जिसमें बाल मजदूरी, धर्म का परिचय और मुंबई का इतिहास है।